So okay guys, so this is not a review video, this is not a sponsor video, this vlog is just for you guys. This is Lambo vlog. अपन आ चुके हैं लग्जरी राइड जयपुर पे। अभी बाहर ट्रैफिक नॉइज ज्यादा आ रहा होगा, इससे बेटर है अभी अपन अंदर चलते हैं। वैसे आप लोगों को थंबनेल टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि आज का व्लॉग किस चीज के रिगार्डिंग होने वाला है। काफी स्पेशल व्लॉग है, काफी स्पेशल चीज है, तो वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। अभी अपन चलते हैं अंदर। तो अभी मैं आ चुका हूँ अंदर। ये है अपने आर्यन भाई, ये अपने दोस्त भी निकले और सब्सक्राइबर भी निकले, ये अपने वीडियोस देखते हैं। तो वैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जब मैंने BMW GT का वीडियो बनाया था ना अनिरुद्ध भैया की, जब हम लोगों ने डिटेलिंग करवाई थी, दैट डे आई प्रॉमिस्ड कि हाँ अपन अब से धीरे धीरे ना प्रीमियम कार्स भी कवर करना चालू करेंगे। तो आज जो प्रीमियम कार है ना वो डायरेक्ट मिली अपने को लैम्बोर्गिनी। इससे पहले अपन करने वाले थे मस्टैंग को, लेकिन मस्टैंग के लिए मैं डिले हो गया, मैं लेट हो गया और वो गाड़ी यहाँ से निकल गई। मैं दिवाली पहले शूट करने वाला था उसको और मैं बाकी काम में बिजी हो गया, फिर मैं हिमाचल के ट्रिप पे चला, उसको कैप्चर करने का टाइम मिल ही नहीं पाया। तो अभी थैंक यू सो मच लग्जरी राइड जिन्होंने अपने को मौका दिया लैम्बोर्गिनी को कवर करने का। बाइक्स तो सारी दिखा चुका हूँ ऑलमोस्ट आप लोगों को, अब धीरे धीरे अपन थोड़ा कार वगैरह भी दिखा दें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फॉलो कर लेना, वहीं पे सारी अपडेट्स दे दूंगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है जिन लोगों को लैम्बोर्गिनी देखनी है और जिन लोगों को लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, दोनों काम हो जाएंगे आज इसी वीडियो में। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन पहले मर्सिडीज से। तो मर्सिडीज यहाँ पे खड़ी है मेरे सामने, तो मुझे तो दिख रही है। आओ आर्यन भाई, इसकी डिटेल आपको आर्यन भाई देंगे। दिस इज मर्सिडीज SLK 350। एज ऑफ नाउ ये वाला मॉडल बंद हो चुका है, बट जब ये आता था तो अराउंड 95 लाख का था। एंड दिस इज अ 2015 मॉडल SLK 350 पेट्रोल, ओके 3 लीटर। एंड हम लोग उसका 39 लाख आस्किंग कर रहे थे एंड अब हम लोगों ने सोल्ड कर दिया है। तो अब जब सोल्ड हो चुकी है तो इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, आने वाले टाइम पे जो भी कन्वर्टेबल गाड़ी आएगी अपन उसको कवर करेंगे। तो अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे जो सामने खड़ी ना वो खड़ी है लैम्बोर्गिनी, ये देख लो भाई कन्वर्टेबल, अभी उसकी रूफ खुली हुई है। आपको मैं और आपको मैं इस वीडियो के अंदर ना इसकी आवाज़ भी सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलना, सच्ची बता रहा हूँ। सो दिस इज लैम्बोर्गिनी ग्लाडो LP 552। आपको मैं फ्रंट लुक दिखा देता हूँ कि ये देख लो, कई लोग इसको लैम्बोर्गिनी बोलते हैं, कई लोग इसको लैम्बोर्गिनी बोलते हैं, मतलब कि जो मुँह से निकल जाए ना अच्छा सा वो। यहाँ पे इसके प्रोजेक्टर लैंप मिल जाएंगे। गाड़ी की मैं हाइट की बात करूँ तो बहुत कम है, अभी मेरी जो हाइट है वो है 5'9" और इस देखो गाड़ी कहाँ तक आ रही है मेरे। बट इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप इंडियन हाईवेज़ के अकॉर्डिंग ना इसकी हाइट को ना थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे अगर हाईवे पे आप लोगों को कोई भी स्पीड ब्रेकर दिखता है ना जिसपे गाड़ी नहीं निकल सकती, उसमें थोड़ा हाइट इंक्रीज़ करो और लेके जाओ। सो हिज देखिए, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा लैम्बोर्गिनी का लोगो, यहीं पर देखो आप इसको ऐसे बाहर निकाल सकते हो। ये है इसका लॉक और ये है अनलॉक। सो ये गाड़ी पूरी ना एरोडायनामिक तरीके से बनाई गई, जिससे इसकी स्पीड ना काफ़ी अच्छी बनी रहे। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, ये गाड़ी 3.7 सेकंड के अंदर ना 0 to 100 कंप्लीट करती है। जो इसका टॉप स्पीड है वो है 325 किलोमीटर पर आवर। इसका इंजन का जो स्पेसिफिकेशन है वो है 5.2 पेट्रोल इंजन V10। इसका जो पावर है वो है 550 BHP। इसका जो बूट आता है वो फ्रंट साइड में आता है, तो अभी अपने आर्यन भाई खोलेंगे। बहुत ही अमेजिंग। तो ये इसका बूट है, यहाँ पे इसका कवर रखा है, ये ग्लव्स रखे हुए हैं। सो ये है इसके अलॉय विद ग्लॉस एंड इसके जो कैलिपर है वो भी येलो कलर के हैं लैम्बोर्गिनी का। यहाँ पे भी आप लोगों को लोगो मिल जाएगा। ये है इसके साइड मिरर्स। सो दिस इज 2012 मॉडल और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, काफ़ी मिंट कंडीशन में, एक भी स्क्रैच नहीं दिख रहा है मेरे को अभी तक गाड़ी के ऊपर। इसका इंजन है, यहाँ पे आप लोगों को छोटे छोटे ये दिख रहे होंगे, इससे जो इंजन की हीट है वो बाहर आती है। उसके साथ साथ ये है इसके LED टेल लैम्प एंड यहाँ पे ग्रिल है, मतलब हर जगह से देखोगे ना कहीं से हर चीज़ को ना यूज़ किया गया है। यहाँ से भी आप थोड़ी सी हीट बाहर आ सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो ये है इसके क्वाड एग्जॉस्ट और इसकी आवाज़ सुनने के लिए ना वीडियो लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है लैम्बोर्गिनी और यहाँ पे है इसका रिवर्स कैमरा, यहाँ से इसका होता है रिफ्यूल और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 90 लीटर। ये है इसके डोर, वेरी बेसिक चीज़ हो रखे हैं इधर। यहाँ पे एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिल रहा है, यहाँ पे इसका एक डोर, यहाँ पे लॉक अनलॉक करने के लिए ये है डोर हैंडल
इसका स्टेयरिंग, और यहाँ पे देख रहे होगा आप लोगों को दिख रहा होगा आरपीएम मीटर, यहाँ पे दिख रहा होगा स्पीड मीटर, एंड यहाँ पे आप लोगों को जो टॉप स्पीड दिखा रहा है वो है 340, एंड यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है इसका रिवर्स, और ये है पूरी मैनुअल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इसके पैडल शिफ्ट, ये है प्लस, ये है माइनस। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे मिल रहे होंगे आप, यहाँ पे है एसी वेंट्स, एंड यहाँ पे इसका मल्टीमीडिया फंक्शन दिया गया है, और यहाँ पे भी लैम्बोर्गिनी लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसका आगे छोटा सा एक कंपार्टमेंट है, और दिस इज द सेम डोर, और यहाँ पे इसके अंदर लेदर के अंदर स्टिचिंग हुई हुई है, यहाँ पे आप इससे डोर लॉक कर सकते हो। तो इसके अंदर यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है को ड्राइवर के लिए और ड्राइवर साइड के लिए। यहाँ पे फीचर्स की यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा रेडियो, मीडिया, नेम, टेलीफोन, नेविगेशन, इन्फॉर्मेशन, कार सेटअप, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो मल्टी मीडिया उसके अंदर दी गई है। उसी के साथ ये है इसका हैजार्ड फंक्शन का काइंड ऑफ, चारों इंडिकेटर एक साथ चलते हैं इसके, और ये है इसका फ्यूल फ्लैप के लिए, ये मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए। इसी के साथ साथ जो ये वाली चीज़ है ये काम करती है, इसके साइड में जो विंडो है ये देख रहे हो आप, और ये वाला है राइट हैंड साइड के लिए, ये देखो वहाँ पे है इसके दो मोड, ये है कि स्पोर्ट मोड, एक है कॉर्सा मोड। अगर आप लोगों को और स्पीड से इसको ड्राइव करना है तो आप इस पर कॉर्सा पे कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप इसके जो फ्रंट नोज है उस हाईवे पे आपको कहीं पे भी स्पीड ब्रेकर वगैरह कुछ भी दिखता है तो आप इसको अपलिफ्ट कर सकते हो अप टू 40 mm, एंड यहाँ पे इसका ओल्ड स्कूल आप लोगों को हैंड ब्रेक मिल जाएगा। यहाँ पे इसके लैंप्स हैं जिसके बटन्स मिल जाएंगे आप लोगों को, ये देख लो आप, और यहाँ पे एक कुछ कप होल्डर रखने का है, यहाँ पे सिगरेट लाइटर है, और यहाँ पे एस्ट्रे होगा आई गेस, यस। ये वाला जो पीछे वाला जो ग्लास है इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ये वाला इसका इसका जो रूफ है आप उसको ऊपर फोल्ड कर सकते हो। सो लेट्स गो आउट, चले इसकी आवाज़ सुन लो आप। मैं हॉर्न भी सुना देता हूँ। स्टोरी क्या है, क्या नाम है? योगेश वरपानी। तो यहाँ से इसकी एयर जाती है, यहाँ से जाके ये यहाँ से निकलती है, ओके, फिर ये यहाँ से, ओके, और यहाँ इस तरीके से इसका एरोडायनामिक बनाया गया है ना, फिर पीछे से बाहर आ जाती है, वहाँ जैसे कि रोड से बिल्कुल चिपक के चलती है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो ये तो ये देख लो अपनी पूरी रूफ ऊपर आ चुकी है, यानी बन ज़्यादा अच्छी लगती है। बस ऊपर जैसे अगर इसका खुला रहता है ना रूफ तो ना मिट्टी बहुत आती है, पॉल्यूशन बहुत आता है, तो पानी तो नहीं आता होगा आई गेस, है ना। देखो सामने से देखो फ्रंट से कितनी मस्त लग रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अभी हम लोगों ने इतना ही कवर किया क्योंकि बीच बीच में ना कस्टमर भी आ रहे थे और हम लोग इस गाड़ी को बाहर लेके जाने वाले थे लेकिन आज लेके नहीं जा पाए। मोस्ट प्रोबेबली जब भी अपन नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे ना शायद आप लोग इंडोर ना देख पाओ, आप लोग आउटडोर ही देखते, क्योंकि वीडियो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया जिससे आप लोगों को ना लैम्बोर्गिनी देखने को मिलेगी कैसी लगती है। ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा। गाड़ी के प्राइस की मैं बात करूँ तो ये जो गाड़ी का प्राइस अभी जो अवेलेबल होगा यहाँ पे ये होगा 1.25 CR, एंड ये जब नई आई थी 2012 में तब ये 3 से 3.5 करोड़ रुपए की। आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारी गाड़ी आने वाली है जिनको अपन कवर करने वाले। मिलते हैं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय, राइड सेफ, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि आने वाली वीडियो और भी मज़ेदार होने वाली है। तो अभी ये गाड़ी देख लो, अब जाते जाते ना एक आदमी से भी मिलवा देते हैं, समुंदर भाई। अरे क्यों जोटिया ही बना रहे यार, समुंदर नहीं है क्या आपका नाम? समुंदर जी तो है। अरे रेडियो को रिकॉर्डिंग ना बना रहा। अरे ये देखो मस्त, बहुत ही थक लाइफ। Thank you.